थे, जो लोग इसके खिलाफ थे, षड्यंत्रकारी थे, वो लोग इस प्रकार का भ्रम का प्रचार कर रहे हैं। एनसीईआरटी सब जगह मौजूद है। सर, आप वक्त वक्त पर जाकर तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उसमें रियलिटी चेक भी करते नजर आते हैं, टीचरों से उनके फॉर्मूले जानते हुए नजर आते हैं। सर, एक छोटा सा मेरा आपसे सवाल है, तमाम जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, कहीं आपका भी थोड़ा बहुत रियलिटी चेक जानना चाह रहा हूँ। सर, 13 का पढ़ा सुना दीजिए। क्या चीज? सर, 13 का पढ़ा सुना दीजिए। मैं प्रैक्टिकल या वर्कशॉप नहीं चलाता हूँ, ठीक है ना, मैं प्रयोगशाला नहीं चलाता हूँ। जो प्रयोगशाला चलाऊंगा, अभी शिक्षा मंत्री हूँ, मैं शिक्षा मंत्री का काम कर रहा हूँ। पढ़े तो आपको याद होंगे अच्छे से। मैं अध्यापक नहीं हूँ, शिक्षा मंत्री सुना, तुमको जो माइक ले घूमते हैं उनको पहाड़े सुना लो, कोई आवश्यक नहीं है। और तुम्हारी अभी इतनी योग्यता नहीं कि तुम उसे पहाड़े सुनो। इसके पहाड़े सुनने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं है सर, पहाड़े सुनने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं होती है सर, पहाड़े सुनने में योग्यता की क्या जरूरत होती है सर? आप तो देखा आपने, ये जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं कहीं ना कहीं यूटर्न लेते नजर आए और पहाड़ा तक नहीं सुना पाए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली और शिक्षा जो पूरी व्यवस्था है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं आखिर क्यों ऑन रिकॉर्ड पहाड़ा नहीं सुना रहे हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ मैं इसकर जाफरी, एशियन 24/7 देहरादून के लिए।